द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स सी वन एंड सी टू ईच ऑफ यूनिट रेडियस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो सर्कल है जिसका रेडियस 1 1 है और वो दोनों सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस है 6 यूनिट। ठीक है, लेट पी बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ सी वन एंड सी टू, और सी वन सी टू का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है पी। ठीक है, एंड सी बी अ सर्कल टचिंग सर्कल सी वन एंड सी टू एक्सटर्नली। इफ अ कॉमन टेंजेंट टू सी वन एंड सी पासिंग थ्रू पी इज ऑल्सो ए कॉमन टेंजेंट टू सी टू एंड सी, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल सी। जो सर्कल सी है जो सी वन सी टू को एक्सटर्नली टच कर रहा है, उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हो गया सर्कल सी वन, ये हो गया सर्कल सी टू, और सी वन सी टू जो है वो यूनिट रेडियस का है, तो इसका रेडियस 1, इसका भी रेडियस 1। ठीक है, और दोनों सर्कल का सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो उसका डिस्टेंस है 6 और उसका मिड पॉइंट है पी, तो ये मिड पॉइंट पी हो गया। ठीक है, और ये जो सर्कल सी है जो सी वन सी टू को एक्सटर्नली टच कर रहा है और इसी का रेडियस फाइंड करना है, तो इसका सेंटर मान लिए, ये सेंटर हो गया, और इस सेंटर को इसका दोनों सेंटर से ज्वाइन करते हैं, इस सेंटर को दोनों सर्कल सेंटर से ऐसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इस सर्कल का रेडियस को हम लोग आर मानेंगे और इसका रेडियस 1 है, तो आर प्लस 1 इधर हो जाएगा पूरा डिस्टेंस, और इधर भी रेडियस 1 है, इसका रेडियस आर है, आर प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर इसको पी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, अच्छा पी तो है ही ना, तो पी नहीं माने, इसको क्यू मानेंगे, तो क्यू ए बी कैसा ट्राइंगल होगा, ये आइसोसेलस ट्राइंगल होगा, क्योंकि इसका क्यू ए का लेंथ आर प्लस वन और क्यू बी का लेंथ भी आर प्लस वन है, तो आइसोसेलस ट्राइंगल है और पी मिड पॉइंट है। जब पी मिड पॉइंट है तो पी को अगर क्यू से ज्वाइन करेंगे तो ये मीडियन होगा इस आइसोसेलस ट्राइंगल का, और आइसोसेलस ट्राइंगल में मीडियन जो होता है वही होता है एल्टीट्यूड, मतलब पी पर राइट एंगल फॉर्म होगा। ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ अ कॉमन टेंजेंट टू सी वन एंड सी, सी वन एंड सी पर अगर कोई कॉमन टेंजेंट है वो सी टू एंड सी पर भी कॉमन टेंजेंट होगा। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है यहाँ से कॉमन टेंजेंट पास हो रहा है ये इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से अगर एक लाइन पास करेंगे जो कॉमन टेंजेंट होगा किस पर, सी वन एंड सी पर, इस लाइन को अगर हम आगे प्रोड्यूस करेंगे, इस लाइन को अगर हम आगे प्रोड्यूस करेंगे यहाँ देख लो, तो ये भी सी टू एंड सी पर कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, है ना, सी टू और सी पर कॉमन टेंजेंट है, यही है। अब देखो, तो अब ये जो कॉमन टेंजेंट है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी से पास कर रहा, पासिंग थ्रू पी, ठीक है, पी से पास कर रहा है, और यहाँ पे तो परपेंडिकुलर होगा ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये टेंजेंट है और रेडियस है, तो टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। अब देखो पी जो है मिड पॉइंट है, तो पी से बी तक का लेंथ कितना होगा, 3 हो जाएगा ना, पी से बी तक का लेंथ हो जाएगा 3। ठीक है, और बी से, अच्छा ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मान लेते हैं एम है, ये पॉइंट एम है, तो बी से एम तक का लेंथ है 1। ओके, तो हम लोग यहाँ से इस ट्राइंगल में पी बी एम ट्राइंगल में लिखते हैं, इन ट्राइंगल पी बी एम, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो पी बी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा पी एम का स्क्वायर प्लस पी पी एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, ये होगा। ओके, तो पी बी का स्क्वायर, पी बी कितना है, पी बी है 3, तो ये होगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू पी एम, तो पी एम को अभी ऐसे रखते हैं, तो पी एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, बी एम है 1, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से पी एम का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 1 मतलब 8। ठीक है, अब देखो यहाँ भी तो राइट एंगल है, ये वाला ये भी राइट एंगल है, तो इस ट्राइंगल में अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस ट्राइंगल में, अच्छा ये परपेंडिकुलर है ना ये वाला, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो इसमें लगा देते हैं, कौन सा ट्राइंगल, पी बी क्यू, तो पी बी क्यू ट्राइंगल में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल पी बी क्यू, तो पी बी क्यू ट्राइंगल में जो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से हो जाएगा बी क्यू का स्क्वायर, है ना, देखो पी बी क्यू, पी बी क्यू में ये होगा हाइपोटेन्यूस बी क्यू, तो बी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, ये होगा। तो अब देखो यहाँ से बी क्यू का वैल्यू कितना है, बी क्यू है आर प्लस 1, तो लिख सकते हैं ना आर प्लस 1 का
स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू का लेंथ नहीं पता है, पी क्यू स्क्वायर लिख दिए, प्लस बी पी, तो बी पी का लेंथ है 3, तो 3 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा आर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 9, ये होगा। अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम ये वाला ट्राइंगल में, पी एम क्यू ट्राइंगल में। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल पी एम क्यू, तो पी एम क्यू ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू हाइपोटेनियस हो जाएगा ना, तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर, इतना होगा। अब देखो पी क्यू का स्क्वायर का वैल्यू निकल चुका है आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9, यहाँ लिख देते हैं आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9, ओके। और पी एम का स्क्वायर का वैल्यू मिला इधर 8, तो 8 लिख दिए। और एम क्यू कितना है, एम क्यू है आर स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ये इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो आर प्लस 1 का होल स्क्वायर ना, तो आर स्क्वायर प्लस 2 आर प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 8 प्लस आर स्क्वायर होगा। और देखो आर स्क्वायर दोनों साइड से कट गया ना, तो 2 आर इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 9 माइनस 8 इधर जाएगा, तो 16 हो जाएगा, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 8, मतलब जो सर्कल सी टच कर रहा है दोनों सर्कल को उसका रेडियस है 8, इसका रेडियस है 8, ओके।